शनिदेव प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं अपनी तरफ से, जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से और अपने ऋषि पराशर जोशी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं और सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ आज बात करते हैं प्रिय दर्शकों कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की कुंडली क्यों? क्योंकि ये पहला घर है और इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। ये घर ऐसे का ऐसा पहला रहता है, इसमें जो नंबर बदल जाए वो उसका मालिक बन जाता है और वो लगन बन जाता है। जैसे यहाँ 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब इस लगन कुंडली में हम ये कह सकते हैं कि इसका मालिक बुधदेव हो गए और ये कन्या लगन की कुंडली हो गई। इसमें सुप्रीम पावर मिली बुध देवता को, बुध देवता ने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बांटे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बुध देवता कुंडली में किस घर में पड़े होंगे और अपनी दशा अंतरदशा में वो कैसा रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, मैं हर कुंडली पहला लगन लॉर्ड और दूसरे का मालिक आपको एक एक करके प्लेसमेंट से समझाऊंगा। आप प्लीज़ इसको नोट करते चले जाइए, दिमाग में समझते चले जाइए और उसी हिसाब से इन चीज़ों के कंक्लूजन्स निकालते चले जाइए। अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए हर चीज़ नोट करनी ज़रूरी है और वो ही नोटिस की हुई चीज़ आपको आगे कैलकुलेशन करने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। मान लीजिए प्रिय दर्शकों, इसमें लगन का मालिक बुध है और 10वें घर का मालिक बुध है, यानी काम काज का मालिक बुध देव बना और लगन में पहले घर का मालिक यानी सेल्फ आप बुध देवता बने। अगर लगन में ही बुध देव पड़े हों तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बंदा कैलकुलेटिव माइंड, बंदा प्रोग्रेसिव, ट्रेडिंग में अच्छा, वाणी में अच्छा, ये सारे एडवांटेजेस उसको बाय बर्थ मिल जाते हैं। लेकिन शर्त से जब मैं कहूँ बेसिक रिमेन सेम, इसका मतलब कि उसकी डिग्री वाइज आप कैपेबिलिटी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर डिग्री वाइज ग्रह की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो वो रिजल्ट्स में उतनी ही कमी ज़रूर ला देगा। अगर बुध देवता लगन में पड़े हों और उसकी दशांतर दशा चल पड़े तो बंदा बहुत ही सूझवान होगा और अपने व्यापार में, ट्रेडिंग में या ऐसा कोई काम जो बुद्धि से डायरेक्टली जुड़ा हुआ करता होगा, यानी वकालत हो गई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, MBA करके जॉब हो गई, तो वो बहुत अच्छा कर लेगा, उसमें बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर लेगा। अगर बुध देवता दूसरे घर में पड़े हों, धन कुटुंब वाणी के घर में, यानी अपने अति मित्र के घर में, या कह लो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में, यानी दूसरे घर में बुध देव पड़े होंगे तो कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए। क्यों? क्योंकि उसके अति मित्र का घर है, उस जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी, मीठी वाणी बोलने वाला होगा, उसे धन की कमी कभी नहीं आने वाली, परिवार से उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी अगर बुध देव दूसरे घर में पड़ा होगा। अगर बुध देव तीसरे घर में पड़ा होगा तो वो कुंडली के लिए प्रिय दर्शकों कभी अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध देव इस कुंडली का योग कारक ग्रह है और योग कारक की डेफिनेशन होती है जहाँ जाना, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, उस घर की वृद्धि कर देना। मैं हर बार आपको ये डेफिनेशन रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको ये इतनी पक जाए, इतनी अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए, आप खुद की कैलकुलेशन सही ढंग से कर पाओ। तो तीसरे घर में अगर बुध देवता बैठे हों तो फजूल की मेहनत, फजूल का हार्डवर्क, फजूल की यात्राएं, वो कभी आपको अच्छा फल नहीं देने वाली। कामकाज भी बंदा का फजूल की मेहनत से जुड़ा हुआ होगा, यानी जैसे मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो गया, किसी टारगेट बेस्ड काम हो गया, यानी कि बंदा भाग रहा है उसके पीछे और काम उसके एक कदम आगे चल रहा है, बंदा उसके पीछे पीछे भागता चला जाता है। अगर बुध देव चौथे घर में पड़े हों तो कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो गए। क्यों अच्छे हो गए? क्योंकि बुध देव जैसे लगन में बुध को दिशा बल मिला, उसी तरह चौथे घर में अगर बुध देवता की प्लेसमेंट आ जाए तो माता से बहुत बनती है उस जातक की। अपनी दशा अंतरदशा में गाड़ी, भूमि, वाहन का सुख तो मिलता ही है, लेकिन काम काज जो अपने घर पे दृष्टि डलती है वो भी उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। काम काज में इम्प्रूवमेंट मिलती है, अगर बंदा जॉब कर रहा है तो उसमें तरक्की मिलती है, अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसमें बढ़ोतरी मिलती है। तो ये एडवांटेजेस बुध अपनी दशा अंतरदशा में चौथे घर में पड़ा यानी धनु राशि का पड़ा ज़रूर देता है। अगर बुध देव यहाँ पंचम घर में पड़े हों यानी अपने अति मित्र शनिदेव के घर में आ गए तो जातक बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होगा। जातक का काम डायरेक्टली बुद्धि से ही जुड़ा हुआ होगा, यानी ब्रेन से काम करता होगा। किसी मिल का मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, जो सिर्फ अपना दिमाग लड़ा रहा है बैठ के,
बहुत हाई ऑफिशियल पोस्ट पे होगा, क्योंकि वहाँ दिमाग का काम होता है, अपने कर्म को उठा के ब्रेन पे रख दिया, तो यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। औलाद सुख से भी संपन्न होगा, अनसर्टेन गेन भी देगा, रोमांस में भी कामयाबी मिलेगी। इस घर के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट बुध देवता आपको ज़रूर देंगे। अगर बुध देव छठे भाव में पड़े हुए, तो प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में बुध ही कारक कहे जाने वाले सबसे मारक ग्रह बन गए। और किसी पोंगा पंडित ने अगर आपको वही त्रिकोण का रोना रोते हुए पन्ना पहना दिया, तो बंटाधार आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छठे घर में बुध अगर पड़ा हो, उसकी जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, वो आपको कर्जा देगी, वो आपको रोग देगी, वो आपको शत्रु देगी, वो आपको दुर्घटना देगी, वो आपको मुकदमा देगी। और जब आपने पन्ना पहन के उसको यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया है, वो और प्रॉब्लम्स फजूल की खड़ी कर देगी, यहाँ से 12वें घर पे दृष्टि डालेगी, खर्चा भी बढ़ा देगी, अस्पताल तक का खर्चा होना लाजिम हो जाएगा। यहाँ पन्ना कभी मत पहनिएगा, क्योंकि वो अति मारक बन गया वही ग्रह अपनी प्लेसमेंट की वजह से। बुध देव 7वें घर में पड़े हों, कभी गलती से भी पन्ना धारण मत कीजिएगा अस्त की कंडीशन के अलावा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो नीच के हो गए, कभी पत्नी से नहीं बनने वाली या पति से नहीं बनने वाली, कभी रोजी रोजगार में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, हमेशा परेशानी बनी रहेगी। कभी भी पार्टनरशिप मत कीजिएगा, सदैव बंटाधार कर देगी, क्योंकि बुध का नीच होना, कामकाज के लॉर्ड का यहाँ नीच होना हमेशा प्रॉब्लम्स देगा। बुध देव 8वें घर में पड़े हों, कुंडली का सबसे बुरा घर, लेकिन यहाँ अगर किसी ने आपको पन्ना एडवाइज कर दिया कि पन्ना पहनो ही पहनो, ये ऑब्स्टेकल्स का घर है, प्रिय दर्शकों अपने अंदर झांकी मार कर देख लीजिएगा, अपने अंतरमात्मा में झांक के देखिएगा कि अगर बुध देव किसी के 8वें घर में पड़े हैं और उस जातक ने पन्ना पहना हुआ है, तो अपनी लाइफ की अनगिनत प्रॉब्लम जो खुद वो काउंट भी नहीं कर सकता, मुझे जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, मुझे मेंटल पीस नहीं रहता, मेरा कामकाज नहीं बनता, मेरी भागदौड़ लगी रहती है, वो हर चीज़ में अपनी प्रॉब्लम्स गिना देगा, क्योंकि यहाँ बुध देवता अति मारक हो जाते हैं, वो कारक कभी नहीं। अगर अस्त हुए तो पहन सकते हो, अगर अस्त नहीं हुए तो यहाँ पहन लिया तो बंटाधार, आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलने वाला। अगर वही रोना रटाया रोना वो पिछले वाला के जी 159 के मालिक, लेकिन प्लेसमेंट के बिना वो शून्य हो जाते हैं। कभी अपनी पूरी 17 साल की दशा में अगर यहाँ बुध देव पड़े हो, तो वो जिंदगी पीस के रख देगा, आपकी अपने परिवार से अलग कर देगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज दे देगा। आप जितने मर्जी पाठ पूजन कराते रहो, जितने मर्जी नग पहनते रहो, आपको बुध देव फल नहीं देने वाले, जब तक आप हाथ जोड़ के उनके आगे नमन करना नहीं शुरू करोगे, ये प्रार्थना करनी नहीं शुरू करोगे, हे देव 8वें घर के नतीजे मत दीजिए, यहाँ से हमें बख्श दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। अगर बुध देव 9वें घर में पड़े हो, तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया, हम देखते ही कहेंगे जातक बहुत भाग्यवान है, जातक अच्छा रिजल्ट देने में बुध देवता की दशा में बुध देव बाध्य हो गए, पिता के लिए बहुत अच्छा हो गया, कामकाज के लिए बहुत अच्छा हो गया, अगर पिता से जुड़ा वो कामकाज करेगा तो उसके लिए बहुत मदद मिलेगी उसको, जातक धर्म को मानने वाला होगा, प्रभु से डरने वाला होगा, दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला कभी नहीं होगा वो। अगर बुध देव यहाँ 10वें घर में अपनी स्वराशि यानी ओन साइन के पड़े होंगे, और बुध अपनी दशा अंतरदशा में जातक को वो ऊंचाइयाँ देगा जो जातक ने सोची भी नहीं होंगी, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए, ये ना हो कि बुध देव बेचारे 1 डिग्री के पड़े हों, बुध देव 29 डिग्री पड़े हों, बुध देव अस्त पड़े हों, तो यहाँ बुध देव तब फंक्शन नहीं देगा। अगर बुध नॉर्मल 5-7-10 डिग्री भी हुए, तो यहाँ अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छी प्रोफेशनल ग्रोथ और कामयाबी देंगे, जातक का पूरी जनता में होल्ड होगा, जातक अपने आसपास में अपने नाम से पहचाना जाएगा, जातक ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर सकता है, क्योंकि ये उसका अपना घर है, जातक की पर्सनैलिटी में से ही एक झलक मारेगी कि वे सूझवान बंदा है, चला भी आ रहा होगा तो दूसरे देखने वाले भी कहेंगे यार ये बंदा बड़ा समझदार लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी उसने भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लिया। अगर बुध देव यहाँ पड़े हों 11वें घर में, अच्छे हो गए, हालांकि ये उसकी शत्रु राशि है लेकिन वो कारक ग्रह हैं, यहाँ बुध देव का पन्ना पहनना अति आवश्यक है, क्योंकि उसका बल कम हुआ,
फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, अपनी दशा अंतरदशा में धन की वृद्धि, धन के लिए ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद रिजल्ट ज़्यादा मिलने के लिए बाध्य हो जाएगा, वो रिजल्ट ज़्यादा देने के लिए बाध्य हो जाएगा। हर मनोकामना इंसान की पूर्ण होगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी साथ में होंगी, क्योंकि 11वां घर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी है। अगर बुद्ध देव 12वें पड़े हों, सत्यानाश कर देंगे कुंडली का। बंदा उठा और कामकाज को उठा के उसने व्यय में रख दिया, पूरी जिंदगी आजीवन भाग दौड़ उसके साथ जुड़ी हुई है, अपनी दशा अंतरदशा में वो इंसान को कभी टिकने नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि हम उठते ही खर्च में चले गए हैं। आदमी 1000 कमाएगा, 1200 का खर्चा खड़ा है, भागते रहो 200 पीछे, 200 को पूर्ण करने के लिए भागते रहो, जैसे ही पूर्ण होंगे और नया खर्चा खड़ा होगा। हमारे पंजाबी में कहावत कहते हैं, बूढ़ी मर गई कुड़ी जम पी टबर ओडे दा ओडा, एक खर्चा समेटेगा नहीं दूसरा खड़ा होगा, जिसका बुद्ध इस खर्च स्थान में पड़ा होगा, यहाँ से दृष्टि डालेगा रोग स्थान पर, तो घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ले ही रहेंगी। जितना मर्जी कमा के लाएगा, कहीं ना कहीं अस्पताल के खर्चे, कहीं ना कहीं कोर्ट केस के चमेले, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ों में पैसा फजूल का व्यय करवाता ही रहेगा, वो टिकने नहीं देगा इंसान को। तो प्रिय दर्शकों, इस बात को ध्यान से समझ लिए, इस लग्न में बुध देवता ना तो तीसरे घर में कभी अच्छा फल देंगे, ना छठे घर में कभी अच्छा फल देंगे, ना सातवें, ना आठवें, ना बारहवें, ये 5 घरों में बुध देवता जिसके भी पड़े होंगे कभी अच्छा फल नहीं देंगे। बाकी घरों में भी अगर अस्त हो गए तो उसको एक्टिवेट करके ही रिजल्ट निकाला जा सकता है, अगर वो अस्त नहीं हुए तो रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली अच्छा देंगे, अगर अस्त हुए तो पहनकर ही आउटपुट निकलेगी, उसके बिना वो आपको रिजल्ट कभी नहीं देंगे। लेकिन इस बात को हर बंदा शायद ना समझता हो, त्रिकोण धारण करने के पीछे पढ़ करके अगर आपने फिर वही बुध का पन्ना और नीलम और शुक्र का जरकन पहन लिया, आपको वो प्रॉब्लम्स के सिवा कुछ नहीं देने वाला। उसकी प्लेसमेंट सबसे पहले ध्यान से देख लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये निर्धारण कीजिएगा, ये तय कीजिएगा कि मुझे पन्ना पहनना है या इसका पाठ पूजन करके, हाथ जोड़ के नमन करके इसकी नीचता को या इसके अशुभ प्रभाव को कम करना है। अगर एक लगन से ही स्टोन डिसाइड होते, या अगर लगन से ही हम फिक्स इस चीज़ को पहना सकते, तो दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, ये सबसे आसान फार्मूला हो जाता, सारे ही लगन लॉर्ड की या पंचमेश की या नवमेश की दशा में सुखी ज़रूर हो जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करती है, वही 17 साल की दशा आपकी ज़िंदगी हिला भी सकती है अगर बुध देवता गलत प्लेसमेंट में हुए तो। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही, जाते जाते आपको टिप ऑफ द डे देता हूँ और बुध से ही जुड़ा हुआ देता हूँ। मैंने पहले भी एक टिप दिया था, अक्सर आपको पता होगा कि बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बनती, वो पढ़ के तो बहुत जाते हैं, आधी चीज़ें भूल जाते हैं, या भूलने के बाद भी वो जब वापस एग्जामिनेशन हॉल से आते हैं तो उनको चीज़ें याद आ जाती हैं, तो उनको अक्सर भूलने की बीमारी या कंसंट्रेशन पूरी ना लगना या आते हुए भी अपनी चीज़ को सही ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाना या लिख ना पाना, वहाँ ये अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए सबसे आसान और छोटा सा टिप ऑफ द डे है, नोट कर लीजिए, अगर आप किसी भी कंजक देवी को कोई भी चीज़, पेंसिल, रबर, कॉपी, शार्पनर या उसके मनपसंद अगर कोई खाने की चीज़ भी दे देते हो, उससे बुध देव प्रसन्न हो जाते हैं, डिक्रीज नहीं होते दर्शकों, ये नोट कर लीजिएगा, वो बुध देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उस बंदे के माइंड पे अच्छा असर डालना शुरू करते हैं और उसकी कंसंट्रेशन में इंप्रूवमेंट आती है। बच्चों की अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं जिसकी कंसंट्रेशन नहीं बनती, तो ये बुध देवता के लिए कंजक देवी को जो आपकी श्रद्धा हो, पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो चीज़ आप लेके दे सको वो ले दीजिएगा, बुध देवता की करेक्शन में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक रामबाण इलाज की तरह काम करता है। प्रिय दर्शकों, आज इतना ही, आप सबके लिए, अपने लिए, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, We'll be right back.